So hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary and it's a super exciting day. Today in San Francisco, California, जहाँ पे हम आए हुए हैं, the only museum in the world which is dedicated to the science of ophthalmology. Today we are at the Eye Museum and एक बहुत ही interesting जगह है, बहुत ही fascinating जगह है, बहुत सारी unique चीज़ें यहाँ पे display में लगाई हुई हैं. कैसे कैसे ऑप्थल्मोलॉजी का सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम, कैसे कैसे नई ट्रीटमेंट्स, नए मेडिसन्स, नई टेक्नोलॉजीज़ को लॉन्च करा गया है. तो यहाँ पे आपको मैं क्विक टूर देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने डिस्प्ले में लगाई हुई है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंखों की जो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, जैसे कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद की फील्ड, ग्लूकोमा या काले मोतियाबिंद की फील्ड, स्क्विंट या जिसमें आंखों में तिरछापन या भेंगापन होता है, रेटिना आंखों का पर्दा, कॉर्निया जिसमें हम लोग केराटोकोनियस या चश्मा हटाने के ऑपरेशंस करते हैं. तो ये सारी फील्ड्स टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुई हैं और टाइम के साथ कैसे कैसे नए ट्रीटमेंट्स इनमें इंट्रोड्यूस करे गए हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाया हुआ है. तो ऊपर वाले ने हमारी आई को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक बनाया है और साथ ही साथ ऊपर वाले ने हमारी आंखों में कुछ नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स डाले हैं जिसकी वजह से हमारी आंखें प्रोटेक्टेड रहती हैं और साफ़ सुथरी रहती हैं. तो इसमें जो फर्स्ट डिफेंस है वो है हेयर, जैसे आई लैशेस या आईब्रोज जो हमें डस्ट एंड पोल्यूटेंट से प्रोटेक्शन देते हैं. सेकेंड जो डिफेंस है दैट इज़ द टीयर्स या आंखों के आंसू जो हमारी आंखों को वॉश आउट करते हैं. साथ ही इन आंसुओं में एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमारी आंखें और क्लीन रहती हैं. थर्ड प्रोटेक्शन है, थर्ड डिफेंस है आंखों का फैट जिसकी वजह से हमारी आई बॉल को कुशनिंग मिलती है. फोर्थ डिफेंस है आई बॉल का सॉकेट जो चारों तरफ से आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है और इंजरीज से बचा के रखता है. और एक और डिफेंस है जो हमारा ब्लिंकिंग सिस्टम होता है. तो जब हम ब्लिंक करते हैं तो जो हमारी आंखों की लिड्स होती हैं, पलकें होती हैं, वो हमारी आंखों को एक तरह से वाइपर की तरह क्लीन करती हैं. तो बहुत ही यूनिक सिस्टम ऊपर वाले ने हमारी आंखों के लिए बनाया है और अपनी आंखों को साफ सुथरा और हेल्दी रखने के लिए, अगेन जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना. ऊपर वाले ने एक अपने आप ही सिस्टम ऐसा बनाया है कि आंखें अपने आप को प्रोटेक्ट और क्लीन रेगुलरली करते रहती है. जैसे कैमरे में एक अपर्चर होता है जो कैमरे के अंदर जाने वाली लाइट को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारी आंखों में एक प्यूपल होता है जो अपने साइज को बड़ा छोटा करता है और हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल करता है. सो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक मॉडल भी लगाया हुआ है. तो आप देख सकते हैं अभी डार्क है तो ये प्यूपल का साइज बड़ा हुआ हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आँख में जाए और पेशेंट डार्क एरिया में भी देख सके. और अब देखिए मैं लाइट को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने स्विच दिया हुआ है जिससे आप लाइट को बढ़ाएं या कम कर सकते हो. तो मैंने इसको थोड़ा बढ़ाया, ऊपर से लाइट बढ़नी शुरू हो गई और आप देख रहे हैं ये प्यूपल का साइज़ जो है ये छोटा हो गया. और अब मैं लाइट को कम करता हूँ, दोबारा डार्क स्टेट में ले जाता हूँ. तो ये मैं लाइट को कम करते जा रहा हूँ, ऊपर से लाइट कम होती जा रही है और प्यूपल का साइज़ जो है ये
बड़ा होते जा रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ऊपर वाले ने हमारी आंखों में बनाई है, जिससे हम लोग हमारी आंख के अंदर कितनी लाइट की इंटेंसिटी जाएगी उसको भी हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं और विजन हमारी हमेशा क्रिस्प एंड परफेक्ट रहती है। तो जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताया था कि हमारे पर्दे से जहाँ से ऑप्टिक नर्व या आंख की नस निकलती है वहाँ पे एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते और वो हमारी फील्ड में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो उस ब्लाइंड स्पॉट को आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे दिखाता हूँ और इंटरेस्टिंग चीज़ें म्यूज़ियम में क्या क्या है। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले में है कि कैसे हमारी आईज़ में जो कलर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या कंट्रास्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं वो कैसे काम करता है। सो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर के बैंड्स हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूँ और इसके एज को न्यूट्रलाइज करता हूँ तो दोनों बैंड का जो कलर है वो एक्चुअली बिल्कुल सेम है, लेकिन हमें ऐसा परसीव होता है कि ये कलर्स जो हैं ये डिफरेंट हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर रहा, बहुत ही एक्साइटिंग टूर रहा। ऑप्थल्मोलॉजी की हिस्ट्री एंड फ्यूचर के अराउंड हमें बहुत सारे इंसाइट्स यहाँ पे मिले एंड आई होप यू एंजॉय दिस टूर एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद अनदर इंटरेस्टिंग प्लेस हियर इन कैलिफोर्निया। थैंक यू सो मच।